हेलो फ्रेंड्स, हेमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टफ अप्पे बनाना सिखाऊंगी रवे के, है ना। तो इसके लिए मेरे को चाहिए 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही चाहिए। इसको मैंने 1 घंटा पहले गला के रख लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गला लिया है इसको अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा एकदम बढ़िया इसका फॉर्मेट तैयार हो गया एकदम। देखिए एकदम फ्लोइंग इतनी अच्छी है इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको थोड़ा सा सामान चाहिए। ये नॉर्मल सा ही सामान है। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करके स्टफिंग तैयार करती हूँ। 1 चम्मच ऑयल डलेगा इसमें। ऑयल मेरा रेडी है। इसमें सबसे पहले हम सौंफ डालेंगे। सौंफ का स्वाद ना बहुत अच्छा लगता है आलू में। स्टफिंग में सौंफ बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले मैंने सौंफ डाली है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अदरक, शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा अदरक। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मैंने 4 बड़े आलू इनको छील के और इनको मैश करके रखा है। ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। स्टफिंग के लिए है ये। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप नींबू का भी रस डाल सकते हो। ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने इसे आलू के सब राउंड बना के रख लिए है। इसे डालने के लिए हम सबसे पहले ऑयल डालती हूँ। ये मेरा गरम हो गया अच्छे से। सबसे पहले मैं ऑयल डालती हूँ सारे सांचों में। पहली बार में थोड़ा सा ऑयल अच्छा डलता है जिससे कि अच्छे से हो जाए। उसके बाद ऑयल तो डलता ही नहीं है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी थोड़ी राई डाल देंगे सब में। सभी में थोड़ा थोड़ा कड़ी पत्ता और नीम, हरी धनिया, गैस को हम एकदम सिम पे कर देंगे। आलू की बॉल सब इसके बीच में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 1-1 चम्मच और डाल देंगे अच्छे से। देखिए इसका जो बैटर है ये एकदम अच्छा होना चाहिए, गाढ़ा। ये देखिए कितना अच्छा है क्योंकि मैंने इसको 1 घंटे पहले गला दिया था। अच्छे से रवा इसका फूल गया है। अगर आपको 1 घंटे पहले नहीं गलाना है तो फिर इसमें आप थोड़ा सा इनो डाल देना। इसमें इनो की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो इसमें अच्छे से खमीर उठ गया है।
इसको अब हम ढक देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बॉल्स हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको मैं ढक देती हूँ, ये 3 से 4 मिनट ढक देंगे तो ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये देखिए हमारे कितने अच्छे फूल रस में, हम एक एक ड्रॉप ऑयल डाल देंगे, उसके बाद हम देखते हैं अगर ये बन गए हैं तो हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, लेकिन अभी ये थोड़े से और सीखेंगे, मैं थोड़ा और रख देती हूँ, ये सीखे नहीं अच्छे से। देखिए कितने अच्छे फूल हैं, एकदम फूल के गुब्बारा हो गए, देखिए कितने बढ़िया हैं। ये देखिए देखने में भी इतने यम्मी, खाने में तो होंगे और एकदम कुरकुरे और अच्छे सीखे। देखिए ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे सिक रहे हैं, एकदम फूल के गुब्बारा हो गए हैं। देखिए इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए और रखूंगी, क्योंकि अभी एक साइड से बने हैं, एक साइड से और अच्छे से पकने दीजिए इनको थोड़ी देर के लिए। और ये कितने अच्छे गोल्डन एकदम ब्राउन, ये देखिए और फूल के एकदम गुब्बारा हो गए, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, अंदर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। देखिए अब मैं ये जो आलू की स्टफिंग है ना, इसको ऐसे करके भी डाल सकते हैं, इसी के अंदर कवर करके भी डाल सकते हैं। जैसे हम आलू बड़े बनाते हैं ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखिए आपको जैसे सुविधा हो वैसा आप कर सकते हो, डबल करना हो तो वैसे कर ले और ऐसे करना हो तो ऐसे कर ले। ये देखिए गैस को जब अपन डाल रहे हैं तो गैस को हमको एकदम सिम पे रखना है, जिससे कि अंदर से अच्छे से सिक जाए। हम लोग आलू बड़े भी ऐसे ही बनाते हैं ना स्टफिंग करके, तो ऐसे अच्छे ऐसे भी बन जाते हैं। तो देखिए दो से तीन मिनट तक ढक देंगे तो अच्छे से अंदर से सिक जाएंगे। गैस को लो मीडियम ही रहना है। जो मैं छौका लगाती हूँ उससे देखो कितना सुंदर दिखता है, लोग बहुत ही अच्छा आता है छौके से, इसलिए हर एक कप्पे में अलग छौका लगाते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसको हम और रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। हमारे अब रेडी हैं स्टफ, अब अपे रेडी हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं देखने में भी। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से काट कर, कितने अच्छे लगते हैं एकदम। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, एकदम ऊपर से कड़क है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, एकदम यम्मी।